गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल टॉपिक, लैमिनर एयर फ्लो वेंट्स। लैमिनर एयर फ्लो वेंट्स फिल्ट्रेशन का एक हिस्सा है, या इसे हम कह सकते हैं कि एयर फिल्ट्रेशन का एक पार्ट होता है। लैमिनर एयर फ्लो वेंट्स, लैमिनर एयर फ्लो वेंट्स के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। लैमिनर एयर फ्लो वेंट्स लुक लाइक अ बेंच शेप एंड ग्लास चैम्बर। मीन्स लैमिनर एयर फ्लो बेंच देखने में एक बेंच की तरह और ग्लास चैम्बर की बनी होती है। मतलब कि लैमिनर एयर फ्लो बेंच को आप देखेंगे लैब में, तो वो एक सामने से आपको ऐसा लगेगा कि एक ग्लास की एक बेंच पे एक ग्लास का कंटेनर, बड़ा सा मतलब चैम्बर रखा हुआ है, बट वो एक पूरी बेंच होती है। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, मतलब कि किस सिद्धांत पर या किस सिद्धांत पर लैमिनर एयर फ्लो बेंच वर्क करती है। लैमिनर एयर फ्लो बेंच यूवी या अल्ट्रा वायलेट रेज एंड एयर फिल्ट्रेशन पर वर्क करती है। मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि इसमें यूवी ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, तो उससे क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है और अल्ट्रा वायलेट रेज से एयर को फिल्टर किया जाता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज और फिल्ट्रेशन पर वर्क करती है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। लैमिनर एयर फ्लो में कंस्ट्रक्शन में कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हेपा फिल्टर, यूवी ट्यूब, ग्लास या ब्लोवर। मतलब कि लैमिनर एयर फ्लो बेंच इन पार्ट्स से मिलकर बनती है, या ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं लैमिनर एयर फ्लो बेंच के। इसके बाद हम लैमिनर एयर फ्लो बेंच की वर्किंग के बाद बात करते हैं, तो हम विद द डायग्राम की हेल्प लेकर समझते हैं। आइए देखिए, देखिए ये एक बेंच है जिसे लैमिनर एयर फ्लो बेंच कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे नीचे साइड में एक ब्लोवर, ये ब्लोवर लगा हुआ होता है, मतलब कि एक फैन लगा होता है जो क्या करता है, बाहर की प्री फिल्टर एयर। प्री फिल्टर एयर क्या होती है, जैसे कि ये लैब में या रूम में रखा हुआ होता है, तो होता क्या, वहां पहले से भी एसी लगा हुआ होता है, तो उससे क्या होता है, जो एसी से प्री फिल्टर एयर रूम में आती है, उस प्री फिल्टर एयर को ये सक करके मतलब कि खींचता है और ऊपर के चैम्बर में सेंड कर देता है। यहाँ पे लैमिनर हेपा फिल्टर, हेपा फिल्टर क्या है, हेपा फिल्टर है हाई फ्रिक्वेंसी पार्टिकुलर एयर, हाई फ्रिक्वेंसी पार्टिकुलर एयर एक चैम्बर या एक तरीके की से सीव, मतलब कि छन्नी कहेंगे, लगी हुई होती है यहाँ पे। ये फिल्टर यहाँ प्री फिल्टर एयर यहाँ से गई और ये हेपा फिल्टर में से एक बार और, इसमें जो प्री फिल्टर में जो छोटे मोटे कंटामिनेशन पार्टिकल होते हैं उन्हें क्या होता है कि यहाँ पे भी स्क्रीन लगी हुई होती है, वो उसको छान लेती है। उसके बाद अगर कुछ भी छोटे मोटे पार्टिकल, बैक्टीरिया या वायरस बच जाते हैं, वो यहाँ से छन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्क्रीन लगी होती है, ये वर्किंग चैम्बर होता है, वर्किंग चैम्बर, ये वर्किंग चैम्बर है। अब इस वर्किंग चैम्बर में ये एयर एयर जो है जाती है, यहाँ पे यूवी लाइट लगी हुई है, जिसके द्वारा अगर इसमें से भी कुछ कंटामिनेशन जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो ये इसके द्वारा किल हो जाती है, ठीक है। और ये पूरा आगे से ग्लास से कवर रहता है। अब हम इसमें हमने वर्किंग प्रोसेस को जान लिया लैमिनर एयर फ्लो वेंट की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं कि लैमिनर एयर फ्लो वेंट का मोस्टली यूज है क्या। लैमिनर एयर फ्लो वेंट का यूज है इन अ लैब, प्रिवेंट कंटामिनेशन पार्टिकल सेंसिटिव मटेरियल इन बायोलॉजिकल सैंपल। मींस लैमिनर एयर फ्लो लैब में प्रिवेंट करती है कंटामिनेशन पार्टिकल सेंसिटिव मटेरियल को और बायोलॉजिकल सैंपल को इन्फेक्ट होने से रोकती है। मतलब कि हम लैब में बायोलॉजिकल सैंपल का टेस्ट कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का टेस्ट कर रहे हैं, प्लाज्मा का टेस्ट कर रहे हैं, या किसी भी तरीके स्पर्म बना रहे हैं, तो हमें वहां पे लैमिनर एयर फ्लो वेंट का यूज किया जाता है। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल सैंपल। इसके बाद मेकिंग अ रूम एंड लैब क्लियर।
इसका एक और भी यूज है रूम में क्लियर करने के लिए, मतलब क्लियर का मतलब है कि उसमें बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको थोड़ी देर तक उस रूम में ऑन कर दिया जाता है जिससे कि उस रूम में जितना भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो इसके द्वारा किल हो जाते हैं और एयर एयर जो होती है आपकी फिल्टर हो जाती है। आज हमने लैमिनर एयर फ्लो बेंच, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के फार्मास्यूटिक्स के पेपर के लिए, उसको विद द डायग्राम की हेल्प से आज हमने डिस्कशन किया। थैंक यू स्टूडेंट।